हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नबील अहमद एंड वेलकम टू कोड विद नबील। गाइस, टुडे आई विल शो द सैंग फॉर्म। ये जो है बेसिक HTML और CSS से ही डिज़ाइन किया गया है। ये एनिमेटेड फॉर्म, सबसे पहले अगर आप इधर देखें तो इधर मैंने यूज़र नेम और पासवर्ड में भी मैंने जो इसके बॉक्स हैं उसमें भी मैंने जो है वो एनिमेशन लगाए हुए हैं। और ये साइंग अप का बटन है, ये फॉरगेट पासवर्ड और ये लॉगिन का। जब तक हम लॉगिन नहीं करें, जब तक हम कुछ यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालेंगे तो तब तक ये ऐसे लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे ही हमने इसमें कुछ भी यूज़र नेम और पासवर्ड डाल दिया तो ये लॉगिन हो जाएगा। तो मैं इसकी आपको HTML का कोड और CSS का कोड दिखा देता हूँ कि बेसिकली मैंने किया क्या है। तो ये हमारा HTML का कोड है। तो जैसे ही सिंपल हमने सबसे पहले डॉक टाइप HTML यूज़ किया, उसके बाद HTML, फिर हेड का टाइटल टैग, फिर बॉडी। बॉडी के अंदर जो है मैंने एक डिफ बनाई है और डिफ के अंदर ये सारा वर्क किया है। अच्छा, डिफ के अंदर मैंने एक बनाया है फॉर्म, सही है। फॉर्म के बाद जो है ये मैंने साइंग इन लिख दिया है। अब कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आप लॉगिन फॉर्म बनवाना चाह रहे हो या कुछ भी बनाना चाह रहे हो तो ये लॉगिन फॉर्म करते हैं। ये सिंपल जैसे फॉर्म बनाते हैं वैसे की है। ये असल में यूज़र नेम आना था, तो ये यूज़र नेम, ठीक है। तो इस पेन के अंदर मैंने यूज़र नेम रख दिया। इसके इनपुट टाइप जो है मैंने टेक्स्ट रख दिया, रिक्वायर्ड उसे कर दिया। जैसे हम इधर क्लिक कर रहे थे तो ये रिक्वायर्ड मांग रहा था। अगर हम लॉगिन क्लिक नहीं कर रहे थे तो प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म मांग रहा था, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने कोड इफ बनाई, उस वो पासवर्ड के लिए बना दी, फिर मैंने लिंक लगा दी फॉरगेट पासवर्ड और साइंग अप को, सही है। और अगर मैं इसकी CSS की बात करूँ तो ये CSS के लिए सबसे पहले मैंने इसकी मार्जिन 0, पेडिंग 0 और फॉन्ट फैमिली मैंने पॉपिंस और सैंस सेरिफ रखी है, ठीक है। अगर बॉडी की बात जो, तो मैंने फ्लैक्स बॉक्स को यूज़ किया है। इसका बैकग्राउंड जो है ये ब्लैक करके और फ्लैक्स डायरेक्शन को कॉलम में कर दिए, ठीक है। और वो जो एनिमेशन हो रही थी वो रोटेशन वाली, वो सारी मैंने बॉक्स के अंदर ही इसमें सारी डिज़ाइन की है। ये बॉक्स की हमारी CSS है और ये बॉक्स बिफोर की। जेड इंडेक्स इसमें मैंने 1 रख दिया, पोजीशन एब्सोल्यूट रख दिए और ये सारी जितनी भी डिज़ाइनिंग करनी थी वो की है, सही है। ये बॉक्स आफ्टर है और इसका की फ्रेम एनिमेटेड जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था लेफ़्ट टू राइट और रोटेट हो रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 360 में किया था, वो 360 में ही हो रहा था, ठीक है। ये फॉर्म को, फॉर्म की CSS है और ये H2 की। और अगर इनपुट बॉक्स की, ये इनपुट बॉक्स इनपुट की, ये मैंने इसमें पोजीशन रिलेटिव रखी है और वेथ इसमें 100 पिक्सल रखी है। इसकी पैडिंग और बैकग्राउंड मैंने इसका ट्रांसपेरेंट रखा है, ठीक है। और अगर आप देखें इनपुट बॉक्स और इनपुट वैलिड, इसकी हाइट, और मैंने जो लिंक्स लगाई थी डिस्प्ले फ्लैक्स बॉक्स पे ही करी है, और स्पेस बिटवीन, फिर लिंक ए हॉवर, ये बस इसकी थोड़ी सी CSS है। तो ये इतना टफ नहीं है, इजी है। अगर आपको इस ये कोड चाहिए और ये लॉगिन फॉर्म चाहिए तो कमेंट में अपना ईमेल मुझे शेयर कर दें, मैं आपको ईमेल कर दूंगा ये कोड, ठीक है। तो बस आज का था जो है वो टॉपिक वो यही था कि मैं लॉगिन फॉर्म के जो HTML CSS है उसका कोड दिखाना था और ये दिखाना था कि लॉगिन फॉर्म कैसे बन सकता है, ठीक है। और जो जो अगर किसी को कोड चाहिए तो काइंडली वो कमेंट करके अपना ईमेल कमेंट करे और या मुझे ईमेल कर दे, मैं खुद ही उसको कोड शेयर कर दूंगा। मैं ईमेल डिस्क्रिप्शन में अपना सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।